मंगलवार को नागदा स्थित सर्किट हाउस पर क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा पटवारियों की समीक्षा बैठक ली गई। यह बैठक पट्टे की जमीन व वितरण को लेकर रखी गई। उसके पास में गवर्नमेंट स्कूल है, उससे पास में लगी हुई एक आदिवासी बस्ती है, उनमें क्या परसों को डेथ हो गई, तो वहां बैठने गया था। अभिलो की टाप वही आदिवासी कोई भी क्यों जितेन बताओ, तुम नगर पालिका के हो तुम? नहीं सर, वो पिछली बार जब एक नंबर गया था उसमें मैं नहीं था ना सर, जब जोशी जी थे वो रिटायर हो गए। अच्छा हाँ, पिछली बार जब एक नंबर गया था तो यार मेरा ये कहना है, एक किया है रजिस्टर है तुम्हारे पास, एक बार फिर से घूम के देख लेने में क्या दिक्कत है? अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, ये जो नगर पालिका में ना आप ये एक ये जो अपने नाले से लगी हुई जो ये कुशल पाल वगैरह धौलपुरे रहते हैं ना अपने नगर पालिका के, ये वाले कौन से वार्ड में आते हैं? चेतनपुर में एक नंबर में, वो उसको क्या करा? ऐसी भील समाज वाली वो स्थान नहीं छूटे, क्यों काफी निहायत गरीब है, छोटे छोटे उनके लोगों के मकान है, तो एक तो वो वाला एरिया देख लेना और एक हमारे नगर पालिका के कर्मचारी कुशल जी धौलपुरे वगैरह, तो वो नाले से लगे हुए उनके मकान बने हुए कंटिन्यू, तो वो एरिया ऐसा है कि वो संभावनाएं रहती है छूटने की उनकी, तो सरकारी में नहीं है, निजी में है या कोई वो है, तो वो अपने पास जानकारी एग्जैक्ट रहे कि भाई ये निजी में है इसलिए नहीं हो रहा है ना, तो ये वाला चिंता से एक नंबर वाले आप देख लेना। अच्छा इसमें एक चीज बताओ, वो जो उधर अपने उनका तो अपने कन्या महाविद्यालय से लगी हुई जो ऊपर जमीन है वो प्राइवेट है या राजस्व की है, जो वहाँ टापरियां बनी हुई है? ये रतलाम फाटक से जैसे अपन निकलते हैं ना जी जी। और रतलाम फाटक से निकलते ही थोड़ी आगे जाते हैं लेफ्ट हैंड पे इनका सरवंत सिंह जी का वो गार्डन बना हुआ है जी। उसके पीछे जो बंजारा लीला भाई बंजारी बंजारा उसको लिया है ना, वो मतलब राजस्व की भूमि है। और ये जो इधर रेलवे के पटरी से लगे हुई है ये रेलवे की जमीन है? वो रेलवे की जमीन है। ऐसे कितने मकान होंगे जो रेलवे की जमीन में होंगे? 25 मकान है रेलवे की जमीन, वार्ड 33 में आता है ये। अच्छा हाँ, मतलब रेलवे की जमीन में लगे हुए 25 है, बाकी दो नंबर में लगभग लगभग आ गए, लगभग आ गए 119 उनको भैया दोनों उसने पहले पुराने भी है पुराने हैं। 6 नंबर 6 हो गया, कितने 6 में कितनी संख्या आई? हमारे पास 2 लिखा है, 60 और 40। 6 नंबर का ये। अच्छा 6 नंबर का वहाँ पे रखा है, इसमें रखा है। वार्ड 6 में 42, वार्ड 7 वार्ड में 31, वार्ड 7 में ये रेलवे से लगा हुआ एरिया है क्या? हाँ सर, रेलवे से थोड़ा दूर ही है ना। हाँ रेलवे से जो वो पंकज वो जो एक मंदिर है भोलेनाथ जी का वाला एरिया है। 8 नंबर 8 मेरा 8 में यार, ये जो आदिवासी के ये मोमेडन लोगों की जो मुस्लिम समाज के कौन सी स्कूल है वो? उर्दू स्कूल। उर्दू स्कूल, उस उर्दू स्कूल के पास लगे हुए मकान जो आदिवासी समाज के वो? ये जवाब मिला ना कुछ लोगों की, मैं कह रहा हूँ आदिवासियों की लगभग रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री है 10-15। हाँ 20-25 लोग है वो आदिवासी, तो उनकी क्या है? देखो जीन का कोई वो जो जीन है वो कोई निजी वाला नहीं होता, तो बिक गई तो बिक गई, रजिस्टर हो गई, जो भी हुआ जैसा हुआ वो अलग विषय है, लेकिन वो तो अच्छा मान लो रजिस्ट्री भी 5 बीघा सॉरी, ये कितनी होगी कन्या महाविद्यालय वाली? ये तो ये कन्या महाविद्यालय को अपन ने 2 एकड़ में लगभग दिया, चंबल किनारे वाले बता रहे हैं। 2 एकड़ में लगभग मांगी, हाँ 9-10 बीघा हो, 9-10 बीघा। क्यों ये वाली कितनी है? ये माहिपुर रोड पे जो एक अपन सिविल कोर्ट के लिए दिखा रहे थे वही है सर। अच्छा वही वाली वही, कितना बताइए कितना है?
5 बीघा ही है। पहलवान का मकान है ना, ये जगह भी शासकीय है। हाँ। ये मंदिर जो बना है, हाँ। ये तो इसमें कुछ जो है वो राजीव गांधी आश्रय के तहत मिल चुके हैं पहले पट्टे। हाँ। बाकी अभी टोटल मिला के सीरे के 24 हो रहे हैं, 24 पट्टे। हाँ, उसमें कुछ में कुछ 7-8 आदमी नाले में। 14 नंबर, 14 में एक पट्टा है, 14 में श्रीराम कॉलोनी। और 15 नंबर, 84 15 में 130 आए हैं सर्वे में, उसमें से 84 पुराने पट्टे हैं और 46 जो है नए। 21 नंबर में वो जो एक गड्ढे वाला पोर्शन है जहाँ रविदास समाज के लोग रहते हैं, वो पूरा कर लिया, वो खदान पूरा हो गया, खदान पूरा हो गया। टोटल कितने? 131 इसी में मैं शासन से मंजूर करा लूंगा। तो इतना से एक टुकड़ा वहीं कहीं उस रेडियस के अंदर हो जाए तो थोड़ा सा। असल में क्या हुआ इसमें अपने को? हाँ शुभ्य, और ये एल शेप में जो बना रेलवे बाउंड्री से घूम के टर्न में। हाँ हाँ, ये वाली पट्टी राम सिंह वाली पट्टी है। हाँ हाँ, अच्छा वो जो सामने वाली सामने रेलवे पटरी और गवर्नमेंट कॉलोनी के बीच की, वो पूरी ले ली। ठीक है, एरिया उसको थोड़ा सा सीरियसली देख लेना कि उधर कोई नाले के पास तो सारे खुले है ना, उसमें कुछ लोगों के पास उसके पीछे जो मकान है उनके हैं, आप बस थोड़ा सा नाले से लगे हुए हैं उनके कर लिए। आप उसको थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रहे हैं आप लोग? कितना है टोटल लगा? 1333 में दावे, मतलब आपत्तियां कितने पे आई है 1333 में? अंदाजा 1333 में तो कोई वो ही नहीं है, 1333 तो लगभग यही। नहीं नहीं, वो चीज है, अभी इन्होंने जो दिया है ये सर्वे करके दिया है, इसमें पात्र और अपात्र वाला वो अभी अपन को पट्टे वाले दिए सब पूर्व में पट्टे पूर्व में मिल चुके हैं, जैसे इसमें था ना ये वर्ल्ड लेवल है, 130 में से 46 नए हैं 84 पुराने, तो ये टोटल में आ जाएगा। और अभी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे अगर मान लो नदी में जो आबादी बनी हुई थी लेकिन आबादी दर्ज नहीं थी, तो कलेक्टर साहब के यहाँ पर फाइल भिजवाई थी तो वो ओके होके आ गई है। अब वहाँ पर पुराने आबादी का अलग प्रिंट करवाने का अलग कलर में, नई आबादी के जो पुरानी आबादी के हैं उसमें तो 33 द्वारा दिए जाएंगे पट्टे, और जो नई आबादी है साहब उसमें पंचायत के माध्यम से दिए जाएंगे। पंचायत के माध्यम, पंचायत। अब देखो इसमें क्या दिया था, इसमें अभी क्या होता है जैसे अपन कहीं आबादी खोलते तो आबादी क्या करते थे, खुली जमीन में बना दिया। अब मकान जो बने हुए हैं ऑलरेडी, वो अतिक्रमण का प्रकरण चलता रहेगा, सिविल जेल भेजो, तोड़ो, ये करो, शिकायत भी होती रहती, तो आबादी घोषित कराया है। और उस आबादी को घोषित हो जाने से अब इनको जो है पट्टे की पात्रता हो गई और इनका जो अतिक्रमण वगैरह है वो खत्म हो जाएगा, ये है। और ये जो नई आबादी घोषित की है भूमि आ रही थी और जिसको अधिग्रहण करके मुआवजा देना था, लिस्ट दे दिया है रिंग रोड वाली, वो क्या हुआ उसका टाइप करा के दे दिया? नहीं, वापस नहीं दिया, वापस नहीं दिया उनको। दुबे जी को पूरी लिस्ट पूरा वो सब दे दिया, कितनी निजी कितनी जो है प्राइवेट, 3 सेट बनवा के दे दिया। अब वो उनको टाइपिंग का वो था तो टाइपिस्ट को भी बिठाल के वो करवा दिया, टाइपिंग भी करा दिया। अब उसके बाद उन्होंने कुछ कराया वराया तो जैसे ही करके दे देते हैं फिर हम उसको। हाँ, वो क्या है कि उसके कारण वो हमारा काम नहीं रुके ना, आपका ये काम तो शुरू हो गया है, बट इनको बहुत पहले ले रहे हैं। अच्छा, हमको जो है ये मान के चल रहे कि ये सब हो चुका है, अभी तो उन्होंने 15 दिन काम चला था, वो खैर ले लिया है प्रोसेस में। एक बार थोड़ा सा अरे साहब, ये जो केमिकल डिवीजन के पीछे का जो पोर्शन है हमारा हो गए पट्टे के, और मध्य प्रदेश सरकार की जो एक अभिनव योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है कि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं बचे लगभग कि जिनके पास में अपने रहने का मकान नहीं हो और जिसके पास में अपनी जमीन नहीं हो। अभी जो वर्तमान के अंदर हमने सर्वे कराया है पटवारियों ने, वो मैंने आज वार्ड वाइज समीक्षा करी है। कुछ वार्ड ऐसे हैं हमारे कि जहाँ पे निरंक है, जो कुछ व्यापारिक क्षेत्र है, कुछ बिरला ग्राम में जो फोर्ज कॉलोनियां हैं वो हैं, पर लगभग बहुत संतुष्टिपूर्ण आज की बैठक रही। और हर वार्ड में पुराने कितने हैं नए कितने, ये संख्या भी हमारे पास में आ गई और लगभग 1333 मोटा मोटा आंकड़ा भी आया है। अब उसमें हमारी स्क्रूटनी होना है कि जो पुराने हैं उनको तो चूंकि पट्टे पहले मिले हुए हैं,
और भी गंभीरता से कहीं गलती नहीं हो इसके लिए पात्र अपात्र की सारी गंभीरता से और दो दिन के अंदर हमारे पास में सूची भी टाइप होके आ जाएगी। विशेष करके मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा था कि बिरला ग्राम क्षेत्र में जो तीन प्रकार की कुछ जमीन है, कुछ राजस्व की है, कुछ रेलवे की है और कुछ उद्योग समूह की है, उनपे जो 30-30, 40-40 साल से झुंगियां बस्ती बनी उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि पट्टा देने की के लिए विचार शासन को गंभीरता से करना चाहिए। अब दो तरीके हो सकते हैं, जिसकी निजी जमीन उसको गाइडलाइन के हिसाब से शासन पैसा दे या उनको जमीन की आवश्यकता तो दूसरी जगह जमीन दे दे। दूसरा एक और गंभीरता से आज एसडीएम साहब तहसीलदार साहब पटवारी गिरदावर से हुआ कि जो ग्रामीण अंचलों में पुरानी आबादी और उसमें अगर कोई पट्टा नहीं मिला है तो उनको पट्टा देना और नई आबादी को शासन की तरफ से घोषित करके वो प्रस्ताव जो मुझे एसडीएम साहब ने बताया क्लेक्ट साहब के यहाँ चले गया था, क्लेक्ट साहब से ओके होके आ गया, अब मंत्री और सरपंच उनको पट्टे की कार्रवाई करेंगे। लगभग मुझे लगता है कि शायद 15-20 दिन के अंदर लगभग हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। आने वाले समय में कुछ और प्रोजेक्ट हमारे आने हैं, जैसे आईटीआई का भवन आना है तो उसके लिए मुझे बताया कि जमीन का प्रस्ताव जा चुका है, और भी कुछ प्रोजेक्ट अगर आते हैं तो शासकीय भूमि देखने के लिए मैंने इनको कहा है। एक विषय और था, रिंग रोड पे जो जो प्राइवेट जमीन थी उस प्राइवेट जमीन का भी मैंने आज समीक्षा करी है कि उसके प्रस्ताव बन गए, उनको प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को बना के दे दिए हैं, उसकी सारी स्क्रूटनी होके और पीडब्ल्यूडी जैसे इनको सूची देगा तो फिर जो गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा किसानों की या अन्य भूमि की जाना है। एक विषय और आया था कि अंजनी नगर में जो हमने प्राथमिक विद्यालय खोला है उस प्राथमिक विद्यालय भी वो किराए के मकान में लग रहा है, रविदास समाज की धर्मशाला आज ही हमने किराए से ली है, भविष्य में वहाँ कोई अगर सरकारी हमको भूमि मिलती है तो वहाँ पे हम उन बच्चों के लिए ठीक प्रकार की व्यवस्था इसको बना सके। एक चीज में और आज थोड़ा सा अभी एसडीएम साहब को कह के जाऊंगा, एक आजादपुरा में पहले एक उर्दू स्कूल चलती थी, उर्दू स्कूल ने एक लिखित में बादीपुरे के वहाँ के रहवासियों को लिख के दिया है कि अगर यहाँ सरकार स्कूल बनाती है तो हम आपको ये जमीन वापस देने को तैयार है शासन को, शासन से विधिवत एक प्रस्ताव बन के जाना है। तो मैं एसडीएम साहब को आज कह के जाऊंगा कि उसका पूरा नप्ती वगैरह हो जाए, वो जमीन कितनी है, ताकि विधिवत शासन को प्रस्ताव बन के चले। सरकारी स्कूल नहीं है तो वो उसके लिए भी बात हुई है, पर विशेष करके जो आज की समीक्षा बैठक थी वो पट्टे से लेके थी, और मुझे आज ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि नगरपालिका अध्यक्ष जी मेरे साथ में भी हैं, नगरपालिका के कर्मचारी एसडीएम साहब तहसीलदार साहब पटवारी गिरदावर सारे लोगों ने मिलकर मेहनत करके और जो काम वर्षों का काम था वो हमने मेहनत के अंदर करके और आज एक हम ठीक स्थिति में चले गए, और मुझे लगता है कि हम मात्र 20 दिन के अंदर इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम जब भी चाहेंगे जब जनता को ये बहुत बड़ी सौगात हम दे पाएंगे। परमिशन का कई वर्षों से और कई महीनों से समाज के लोग काफी परेशान हो रहे थे, उस विषय को लेके लगभग 3-4 बार मेरी एसडीएम साहब तहसीलदार साहब और पटवारी गिरदावर के साथ बातचीत हुई, और आज ये प्रसन्नता है कि लगभग 30 लोगों को उन्होंने परमिशन दी, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रजापत समाज के लोग आते जाएंगे तो वो भी हम तुरंत कार्रवाई करके उनको भी हम परमिशन देने की एक सारी चीज करेंगे। दो मिनट बैठूंगी।